रीवा की गुण नगर परिषद अध्यक्ष और बीजेपी नेता अर्चना सिंह की अभद्रता का वीडियो सामने आया है। इसमें वे कंप्यूटर ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। मौके पर मौजूद सीएमओ के लिए कहती हैं कि इनकी क्या औकात है। ये वाक्या 31 अक्टूबर के दिन गुण नगर परिषद का ही बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। अध्यक्ष ने अपनी सफाई में कहा है कि मैं कर्मचारी को डांट रही थी। वहां परिषद में सीएमओ को बंधक बना लिया गया था। गुण नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह ने सालों से पदस्थ 18 आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना कारण 30 अक्टूबर को निकाल दिया था। विरोध स्वरूप विपक्ष के पार्षदों और दूसरे कर्मचारियों ने परिषद गेट की तालाबंदी कर दी थी। भनक लगते ही अध्यक्ष पुलिस को लेकर पहुंच गई। सभी की मांगों को नजरअंदाज करते हुए गेट खोलकर अंदर गई। कमरे के अंदर एसपी सरकार की संबल योजना का कार देख रहे थे। कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल तिवारी के साथ अभद्रता शुरू कर दी। अब इसी विवाद का 54 सेकंड का वीडियो सामने आया है। इसमें अध्यक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल तिवारी को परिषद कार्यालय के अंदर ले गई। वहां थप्पड़ मारकर कंप्यूटर ऑपरेटर को कुर्सी पर बैठा दिया। कई बार आपत्तिजनक शब्द कहे, कहा कि नेता बन रहा है, चुप बैठा रहे, कौन है तुम्हारा लीडर, किसने आंदोलन के लिए कहा। अंत में सीएमओ डॉक्टर एसबी सिद्दीकी की तरफ हाथ करते हुए कहा, इनकी औकात क्या है। बता दें, इसके कुछ दिन बाद सीएमओ का गुड़ से ट्रांसफर हो गया। वीडियो पर अर्चना का कहना है, मैंने कुछ कर्मचारियों की नगर परिषद से छटनी की थी। इन कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही थी कि ये पैसा लेते हैं, काम नहीं करते। आवास में किसी ने 40,000 रुपए लिए तो किसी ने 50,000 रुपए। मैंने जांच समिति बनाकर जांच कराई तो शिकायत सही मिली। जिस दिन का ये वीडियो है, उस दिन मैं ऑफिस से घर आ गई थी। शाम को सीएमओ का फोन आया, बोले मुझे बंधक बना लिया है। मैंने परिषद कार्यालय जाने से पहले पुलिस को भी फोन लगा दिया। वहां पहुंची तो कर्मचारियों को डांटा क्योंकि सीएमओ बीपी के मरीज हैं। एक कर्मचारी को भी इसलिए डांटा क्योंकि वो खुद बीमार है, इसलिए उसे डांटते हुए कहा कि चांटा मारूंगी। कांग्रेस ने गुड नगर परिषद के अंदर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 27 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि निकाले गए 18 कर्मचारियों को हाईकोर्ट जबलपुर से स्टे दिया गया है। इसके बाद भी अध्यक्ष किसी को परिषद के अंदर नहीं घुसने दे रही हैं। इनकी जगह पर दागी कर्मचारी को रखा जा रहा है। यदि कोई विरोध करता है तो पुलिस का डंडा दिखाकर बात दबा दी जाती है। चुप बैठ जा।